बारागांव में नहाते समय पानी उचटने को लेकर दोपक्षों में खूनी संघर्ष, 8 घायल, 9 पर केस दर्ज। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बारागांव में सोमवार को नहाते समय पानी उचटने की बात को लेकर दोपक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों से 2 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर से क्रॉस मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राम बरन जाटव, उम्र 32 वर्ष का पड़ोसी दयाराम जाटव से नहाने का पानी उचटने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के बलराम राम अवतार भोले और बत्ती बाई घायल हो गए, वहीं दूसरे पक्ष से दयाराम नीरज मालती और दीपू जाटव घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर से 9 लोगों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज का जांच शुरू कर दी है। कौन से गांव से हैं आप? बाराई से। आज आप जिला अस्पताल में आए, किस संबंध में आए, क्या विवाद हो गया आपका? तो पानी के चक्कर में गया, विवाद हो गया था, फिर बीच में था करे तो गाड़ी जब तक देने लगे। हाँ शादी की आई तो चल मरण में कोई बात ना हो, शादी है तो विवाद हो गया, नहीं माने के लट ले रहे थे, यहाँ बैठे लट आ रही है, अपन ने तो कोई लट बट चलाए नहीं, ना रेबट वगैरह कुछ नहीं, ना गाड़ी जब तक दिया बीच में चाहे कर। आपके साथ में कितने लोग आपके परिवार के घायल हुए? 5 लोग घायल हुए। क्या नाम है उनका? रामरन है, भोले है, रामतार है, बती है, और बलराम। तो आपके यहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ फ्रैक्चर हो गया। आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो आप वहाँ आपने थाने में जाकर शिकायत वगैरह नहीं की? थाने में जाकर शिकायत करी थी, 8:30 बजे तक हमारी लड़ाई लग गई उन्होंने ज़्यादा तो गई, और इसके बाद हम दे आगे का सूख कर हमारी कोई शिकायत नहीं करी उन्होंने, है और वहाँ बैठ रहे 4-5 घंटे हम। FIR तो लिख ली ना उन्होंने? FIR तो लिख ली थी 4-5। MLC के लिए लेके नहीं आया आपको? नहीं, कोई लेकर नहीं आया था, और फिर बोलने लगे कि अपन बस से चल रहे हैं, हम रोड पर खड़े रहे बहुत देर, धूम में गई और खड़े होते हुए जब तक गाड़ी आ गई, बोले कि अब तो गाड़ी आ गई, गाड़ी से चलते हैं भाई, पर बोले दरवाजे गई है वो गाड़ी में डीजल नहीं आ गई, गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। क्या कहते डीजल नहीं है गाड़ी में? और क्या, गाड़ी में डीजल नहीं है कि हम कहीं से जाएंगे, फिर हम आप ही बात बात ले रहे हैं अपन मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से आप अस्पताल आए हो, किस क्या संबंध, क्या से आए अस्पताल, क्या घटना हो गई आपके साथ? घर पर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई किससे हो गई? दयाराम। किस संबंध में लड़ाई हुई? अरे मैं सुबह नहाने के टाइम नहाने के लिए बैठा हूँ, थोड़ा बहुत पानी उछल गया, क्या है मेरा पर्दा भी हो गया था, उसके बाद अंदर से पानी थोड़ा बहुत चला गया। अच्छा, तो पानी के चक्कर में आपकी लड़ाई हो गई? पानी के चक्कर में वो ना तो दयाराम का पड़ा, ना दयाराम के बच्चे के पड़ा, ना दयाराम की घरवाली, वो तो उसके भैया की लड़की है, भैया की लड़की बाकी लोगों की आई है। तो आप थाने नहीं गए फिर? आप थाने गए। थाने में क्या हुआ आपके साथ? थाने में पहले नंबर FIR दर्ज कर लिया, FIR दर्ज करके मैं बैठ गया, फिर भी आ गए कि दिल की जगह बड़ी करी, क्या करो जगह बड़ी करके उसे दे पहले दिए थे, वो हमें बैठा रहे 8 बजे से 12-1 बजे तक। मतलब आप 8 बजे पहुँच गए थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे बैठा रहे, यानी 1 बजे हो गए। तो आपको फिर रहे हैं, उन्होंने MLC के लिए नहीं भेजा वहाँ पर डॉक्टर? MLC के लिए भेजा के भेज रहे हैं, पर जो गाड़ी आ गई तो बोल दिया गाड़ी में डीजल नहीं है। कौन कह रहा था डीजल नहीं है? वो पुलिस वाले कह रहे थे। फिर तो आपने क्या किया? फिर हम अपनी गाड़ी से आए, मोटरसाइकिल थी। अच्छा, मोटरसाइकिल से आप आए। अच्छा, क्या वो फिर वहाँ अस्पताल में आपको सतन वाले भेज दिया गया? सतन वाले इंजेक्शन वगैरह जो भी लगा, ट्रीटमेंट करा। अच्छा,